मार्च महीने से ही सूरज देवता अपने प्रचंड गर्मी बिखेरते नजर आ रहे हैं। तापमान अभी से 40-45 डिग्री हो गई है, जिसकी वजह से सुबह और शाम में ही सड़कों और बाजारों पर चहल पहल देखने को मिलती है। बाकी दोपहर के समय सड़कें दुकानें सूनी नजर आने लगी हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है और सूरज देवता के तेवर अभी से उग्र हो रहा है। मार्च के प्रारंभ से ही लगातार सूरज कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पारा 40 से 45 डिग्री अभी से हो चला है। तापमान अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो अप्रैल में ही झुलसा देने वाली भीषण गर्मी वनस्पतियों जीव जंतुओं को परेशान कर डालेगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत मात्र है, उसके बावजूद भी यहाँ चलने वाली हवा की स्थिति लू जैसी हो रही है। अभी सुबह से ही शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लगी है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से आम जनमानस वनस्पति व जीव जंतु काफी परेशान हैं। बिना गमछा के चलने में बहुत परेशानी हो रहा है, कि जिस अपेक्षा से गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मानो इसकी तीव्रता और कितनी बढ़ जाएगी, इसको तो हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया, दूसरे वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। परेशानी करने में बहुत तकलीफ मिल रहा है और तीव्र लुवाई में हमको तकलीफ मिल रहा है, धूप ज़्यादा बढ़ गया है, यही समस्या है। अंधाधुंध वनों की कटाई तथा बढ़ती हुई आबादी की वजह से भी समय से पहले गर्मी इतना तेवर दिखा रही है। दोपहर में गर्मी इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि राहगीरों को पैदल हो या बाइक सवार घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चला है। बच्चे स्कूल और युवा कॉलेज जाने से भी कतराने लगे हैं। बहुत ज्यादा समस्या होता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ, बिना गमछा बांधे नहीं आ पाता, बहुत ज्यादा धूप लगता है और स्कूल आने जाने बहुत ज्यादा परेशानी लगती है। आग उगलते सूरज के सामने लोग अपने शरीर को विभिन्न तरीकों से बचाते हुए अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। घर और दफ्तर में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सुबह से ही कूलर, एसी तथा अन्य प्रकार की चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दोपहर में सड़कों, दुकानों तथा बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। कैलाश के साथ अविनाश कुलमित्र की रिपोर्ट, आरजे रमजाझर।